सीवन डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री तुम बात करने वाले थे ना अपने चाचा जी से कि वो यहाँ से चले जाएं हां मैंने बात की आई 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 स्पोक टू हिम तो बात की देखो <laughs> <laughs> अनु मैं साफ-साफ तो बात ना कर पाया बिकॉज़ आई लव हिम अ लॉट बट यू you नो know, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाह रहा था मतलब तुमने बात नहीं की नहीं मैंने बात की मैंने बात की कोर्स sure इतने इंटेलिजेंट कि समझ जाएंगे कि क्या बात है लेकिन ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कैसी प्रॉब्लम यार बीच में तिवारी जी और वो पगलाट सकते ना कूद पड़े <laughs> पूरी बात बताओ मैं समझी नहीं एक्चुअली क्या है मैं चाच को ना कहानी के जरिए अपनी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि वहां से निकल लें चले जाए कहानी कैसी कहानी एक्चुअली एक कहानी जंगल की कहानी मैंने सुनाई थी उनको कि एक ग्लहरी थी जो कि बड़ी क्यूर बड़ी हार्ड वर्किंग बड़ी हॉट सी थी और जो गलेहरा था वो ई वॉज यूजलेस इन यू नो टाइप था वो थोड़ा काम करता बट स्टिल यू नो दे वर टोटली इन टू एच अ दॉट टोटली मोस्टली ओके समटाइम्स इज सो दोनों में बड़ा प्यार था बहुत बहुत खुश थे वो लोग और अचानक जो है ना ये जो गलेरा का जो चाचा है भालू वो आ गया वो एक नंबर का अयाश ओवैश आदमी था उससे आने के बाद इन दोनों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी ही रूइन देयर लाइफ तो रिएक्शन क्या था तुम्हारे चाचा जी का स्टोरी पे अरे यार रिएक्शन देने वाले थे पर तिवारी जी आ गए फिर वो पगलट सक्सेना आ गया उन्होंने मेरी कहानी की मेरी स्टोरी की धज्जियां उड़ा दी ऐसी की तैसी कर दी फिर यार वो कहानी रफू ना हो पाई मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी देखो शट अप। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है एक काम नहीं कर पाए और अगर अगर तुमने चाचा जी से बात नहीं की तो तो मैं बात करूंगा <laughs> मौसम तो बड़ा कमाल होगा ना कि यार बहुत जबरदस्त मौसम होता है तुझे तो है इन दिनों में ना वो थोड़ी थोड़ी सी ठंड होती है कभी कभी बारिश हो जाती है सूरज जो है कभी छुपता है कभी निकलता है भाई भाई भाई। <laughs> आपको लंदन का मौसम बड़ा पसंद है ना चाच बहुत ज्यादा तो चले क्यों नहीं जाते वहां पे <laughs> तो चलते हैं ना वहां पे लंदन में विल हैव गुड टाइम यू नो तू और बहू जा यार मैं नहीं जाने वाला अबे वो बुड्ढे तो चाच इतनी देर से ये आदमी तुझे हिंट दे रहा है कि इस घर से कट ले कट ले कट ले इतनी छोटी सी बात तेरे भेजे में घुस नहीं रही है क्या है विभूति भैया तो उससे साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि तूने इस घर में आतंक मचा रखा है जम के करता है तू, समझा? अकेली भाभी माए कमाने वाली और खाने वाले दो मुस्तंडे हैं इसलिए बुड्ढे जल्दी से अपना जुगाड़ कहीं और कर ले। वरना भाभी मा तेरे इस नल्ले भतीजे को भी घर से लात मार के निकाल देंगी तेरे चक्कर में ये नल्ला भतीजा भी बेघर हो जाएगा समझा इसलिए जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा समेट बे सुन रहा है नहीं रही बोरिया बिस्तरा समेट सक्सेना का बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचे से बात करने की मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा गेट लॉस या आई लाइक इट सी फाइव एप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री